नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी जबान, उसकी वाणी। अगर आपकी वाणी अच्छी है, आपकी जबान प्रभावशाली है, तो आप दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर पाते हैं और दूसरों के ऊपर अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ पाते हैं। आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी वाणी कैसी है, मीठी है, कड़वी है, खराब है, अच्छी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है आपके व्यक्तित्व को बनाने में। तो आखिर क्या करें ऐसा जिससे हम अच्छी वाणी बोलें, मीठी वाणी बोलें, जिससे लोगों को फायदा हो और लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। कैसे बनाएं अपनी वाणी को इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे आपकी वाणी का, आपकी जबान का ग्रहों से क्या संबंध है। कब कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, कब कोई व्यक्ति बुरा बोलता है, और क्या करें ऐसा जिससे मीठी वाणी का वरदान मिले, हमारी जबान, हमारी वाणी अच्छी हो जाए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी वाणी का, आपकी जबान का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है, किन ग्रहों से रिलेशन है। किसी भी कुंडली का जो दूसरा खाना है, दूसरा भाव है, और इस खाने का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो आपकी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। आपका अष्टम भाव चूंकि सातवां होता है आपके वाणी के भाव से, इसलिए वो संबंध रखता है, और दूसरे से दूसरा भाव होता है तीसरा भाव, इसलिए ये भी वाणी से निश्चित रूप से संबंध बनाए रखता है। चूंकि जिस खाने से आप वाणी देखते हैं, उसी खाने से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति देखी जाती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, ये कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। इस तरह से जो आपकी वाणी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी पारिवारिक स्थिति है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी वाणी की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर वाणी को ख़राब करेंगे, वाणी को बुरा करेंगे, तो आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। वृषभ राशि का और बुध का सीधा संबंध होता है वाणी से। आपकी कुंडली में वृषभ राशि की पोजीशन कैसी है, ये आपकी वाणी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और बुध को वाणी का स्वामी मानते हैं, इसलिए बुध का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। जब बुध प्रबल होता है कुंडली में या वृषभ राशि मजबूत होती है, तो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, अपनी बात को प्रस्तुत करने की बहुत अच्छी क्षमता मिल जाती है। व्यक्ति का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति को भी वाणी का ग्रह माना जाता है, और बृहस्पति और बुध अगर दोनों मिल जाएं कुंडली में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की जो वाणी है वो काफी ताकतवर हो जाती है, काफी शक्तिशाली हो जाती है।